सिस्टम का टॉपिक होगा और सोलर सिस्टम में आपको पता होगा कई सारे प्लैनेट्स भी पड़ते हैं, कई सारे प्लैनेट्स भी पड़ते हैं और उन्हीं प्लैनेट्स को अगर हम देखना चाहें इस प्रकार से, एक सोलर सिस्टम हमारे पास होता है, ठीक है, है जिसमें हम रहते हैं, पृथ्वी हमारी उन्हीं में से ग्रह है। देखिए कुछ ही टाइम में हम अप्रोक्सीमेट 400 से भी ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, थोड़ी ही देर में 400 से ज्यादा क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहने चाहिए, होने भी चाहिए। कैसे होंगे मैं बताऊंगा। नंबर वन, 8 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए सूरज के बाद हमारे ग्रह कौन कौन से पड़ते हैं, प्लैनेट कौन कौन से पड़ते हैं। अगर सूरज से दूरी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये प्लैनेट्स का वो ऑर्डर है। बचपन से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पहला प्लैनेट है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पहला है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन ग्रहों को इस प्रकार से बोलते भी हैं। जी जी ठीक है, 8 ग्रह, 8 क्वेश्चन आपके सामने, क्या सूरज से दूरी के हिसाब से लगाइए। तो सूरज के सबसे दूर कौन होगा, वो होगा नेपच्यून, इंग्लिश में, हिंदी में वरुण, अरुण, वरुण, वरुण। समझ में आ गया आप लोगों को। तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी के सभी प्लैनेट्स आपके सामने हैं। बचपन से आप लोगों ने ये सारी चीजें करी भी होगी, बचपन से आप लोगों ने ये सारी चीजें याद भी करी होगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 क्वेश्चन है आपके सामने जो सूरज से दूरी के अकॉर्डिंग है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, अब मैं बात करना चाहता हूं अगर मेरे से कोई आकार के हिसाब से बात करे तो, आकार के हिसाब से यानी कि साइज के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों मान लो मैंने अपने 8 ग्रहों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया और 2 भाग ये होंगे, आगे के 4, पीछे के 4, आगे के 4, पीछे के 4। और अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं स्क्रीन पे देखना चाह रहा हूं, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जल्दी बताइए। ओके गुरप्रीत जी, ओके ठीक है, जल्दी बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर मैं अपना कंसेप्ट स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे बड़ा प्लैनेट सबको पता भी होगा, जुपिटर, लार्जेस्ट, वेरी गुड, जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर। बृहस्पति, आप लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया। जल्दी से स्क्रीन की तरफ देखिए, अगर सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है तो नंबर 1 पे ये है, 2 पर ये है, 3 पर ये है और 4 पर ये है। 4 सबसे बड़े ग्रह इस प्रकार से साबित होंगे, 4 सबसे बड़े ग्रह इस प्रकार से होंगे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि आपने खुद कहा जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे बड़े ग्रह होंगे 1, 2, 3, 4। बैक टू बैक ऑर्डर में मैंने 8 ग्रहों को 2 भागों में डिवाइड किया, 4 अंदर, 4 ये, और फिर आपसे पूछा मैंने कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, सिंपल। उसके बाद है हम मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद जैसे स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल के टीचर हमारे बोलते थे, परेड में हमसे बोलते थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, हाँ परेड होती थी ना भाई हमारे स्कूल में, तो ये बोलते थे लेफ्ट राइट लेफ्ट, परेड होती थी, लेफ्ट राइट लेफ्ट परेड होती थी, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो अब वही करोगे, सबसे बड़ा ग्रह 1, 2, 3, 4, फिर हम, और हमारे बाद लेफ्ट 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 मतलब ये, फिर राइट 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 मतलब ये, फिर लेफ्ट 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 मतलब ये, 1, 2, 3, 4, फिर हम, और हमारे बाद लेफ्ट छठा, राइट सातवां, और फिर लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस प्रकार से। तो 8 क्वेश्चन आपके सामने हैं, कैसे, सूरज से दूरी के हिसाब से ये रहे, सबसे पास, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, सबसे दूर। और 8 क्वेश्चन हैं आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से सबसे बड़ा है जुपिटर, उसके बाद 1, 2, 3, 4, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर हम लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस प्रकार से लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। हां मरकरी 8, मरकरी 8, मार्स 7, वीनस नहीं, वीनस नहीं, वीनस नहीं, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं 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 6 वीनस, हां 7, बिल्कुल सही समझे हो आप, बिल्कुल सही समझे हो, बिल्कुल सही समझे हो, बिल्कुल सही समझे हो। नेक्स्ट हो गया, अब बाकी के 8 क्वेश्चन देखिए, और वो 8 क्वेश्चन होंगे
पृथ्वी से दूरी के हिसाब से, पृथ्वी के दूरी से हिसाब से, यानी कि अगर पृथ्वी से दूरी के हिसाब से, यानी कि हमसे दूरी पूछी जाए, मैं फिर बोल रहा हूं, आकार के हिसाब से 1 2 3 4 हम, हमारे बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट, और अगर हमसे दूरी पूछी जाए, हमसे दूरी सेम फॉर्मेट, हमसे दूरी लेफ्ट मतलब सबसे नजदीक है, राइट मतलब उससे दूर है, और फिर लेफ्ट यानी हमारे सबसे करीब होगा वीनस, उससे दूर होगा मार्स मंगल, और उससे दूर होगा मरकरी मतलब कि बुध, और बाद में तो आप लगा ही सकते हो उससे दूर, इतना तो फिर आप लोग लगा ही लोगे, जाहिर सी बात है हम उम्मीद कर सकते हैं इस बारे में। तो आकार के हिसाब से 1 2 3 4 हम, लेफ्ट राइट लेफ्ट, हमसे दूरी लेफ्ट राइट लेफ्ट, यानी सबसे पास, उससे दूर, और फिर 1 2 3 4, उसी फेस को मैंने पलट दिया है। अच्छा, मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है अनुप जी, थोड़ा धीरे बोलूं। ओके, लेकिन समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, अगर किसी को कंफ्यूजन है भी, वैसे तो वीडियो बाद में बहुत बार देख सकते हो आप, यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, लेकिन फिर भी आकार के हिसाब से साइज, एक जुपिटर सब जानते हैं जुपिटर, तो 1 2 3 4, चार भारत को चार अंदर, 1 2 3 4, फिर हम मतलब पृथ्वी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और अगर हमसे दूरी पूछा जाए, हमसे दूरी तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, और फिर 1 2 3 4, वही पीछे का पीछे, वो चलता रहेगा। बिल्कुल, पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर कीजिए जल्दी कमेंट बॉक्स पे। हाँ, पृथ्वी वीनस मर, ओके, आगे चलते। ओके, अब देखिए दोस्तों, एक और बात समझने वाली बात ये है, ठीक है, तो 24 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 24, 8 सूरज से दूरी, 1 2 3 4 जो भी है ये, 8 हमसे दूरी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 1 2 3 4, और 8 क्वेश्चन क्या आकार के हिसाब से, 1 2 3 4 हम, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब नेक्स्ट दोस्तों, आगे के जो चार ग्रह हैं, इनको इनर प्लेनेट भी बोलते हैं, इनर प्लेनेट मतलब आंतरिक ग्रह, और पीछे के जो चार ग्रह हैं इनको आउटर प्लेनेट भी बोलते हैं, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। जी सुमन खत्री जी, बिल्कुल 400 क्वेश्चन ही स्लो होंगे, क्योंकि 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, 24 सुमन खत्री जी बिल्कुल बरकरार रखिएगा, 400 क्वेश्चन से भी ज्यादा सोल्व करने वाला हूं मैं। अब कुल मिला के 8 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अब आगे के चार ग्रहों को बोलते हैं इनर, आंतरिक ग्रह, और पीछे के चार ग्रहों को बोलते हैं बाहरी ग्रह। और अब देखना इन 24 क्वेश्चनों का क्या हाल करता है पेपर वाला और बच्चे वाले, रट्टा लगा लगा के परेशान रहते हैं, ज्योग्राफी किताब रट रहा है, क्या हाल करेगा। लाइक आपसे पूछेगा सबसे छोटा ग्रह, एक बार दिमाग में तो सीधा वही जाएगा, लेकिन दिमाग में उसने अलग तरीके, द स्मॉलेस्ट आउटर प्लेनेट, सबसे छोटा बाहरी ग्रह। अब बंदा सोचेगा यार बाहरी ग्रह कौन सा होता है, ग्रह तो ग्रह है हमारे, अगर कोई बाहरी ग्रह है तो फिर कोई दूसरे ही गैलेक्सी का होगा, या दूसरे ही, जाहिर सी बात है गैलेक्सी यहां है, समझ में गया। तो इसी के अगर हम अकॉर्डिंग हम बात करना चाहें तो आउटर प्लेनेट्स इन चार को बोलते हैं। तो अगर उसने पूछा सबसे छोटा ग्रह, तो आंसर सीधा यहां जाएगा बुध, लेकिन वो ये पूछ ही नहीं रहा है, वो एक मामूली सा क्वेश्चन चेंज कर रहा है, द स्मॉलेस्ट इनर प्लेनेट या आउटर प्लेनेट, सबसे छोटा बाहरी ग्रह। तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा कौन सा था बाहरी ग्रह, 1 आप जानते हो, 2 3 4, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, नेपच्यून, पहला ऑप्शन
चमचमाता हुआ आपको मिल सकता है ये, बट गलत होगा। लाइक सूरज के सबसे नजदीक कौन है? बुध। लेकिन मुझने बोला ही नहीं, सूरज के सबसे नजदीक बाहरी ग्रह, तो आंसर होगा जुपिटर, बृहस्पति। पृथ्वी से सबसे दूर कौन है? अगर पृथ्वी से सबसे दूर कौन है तो बंदा सोचेगा वो पृथ्वी से सबसे दूर, लेकिन वो कह रहा है आंतरिक ग्रहों में, इनर प्लैनेट्स में सबसे दूर कौन है, तो इनर प्लैनेट्स में सबसे दूर कौन होगा? लेफ्ट राइट लेफ्ट, मतलब मरकरी सबसे दूर होगा, बुध। तो 24 क्वेश्चनों को, बिल्कुल 24 क्वेश्चनों को, 24 क्वेश्चनों को किस हिसाब से वो तोड़ सकता है? बड़े ग्रह आंतरिक बाहरी, छोटे ग्रह आंतरिक बाहरी, या ये कह सकते हो पृथ्वी के पास आंतरिक बाहरी, इनर आउटर, सूरज से पास इनर आउटर। इस प्रकार से अगर आप हिसाब लगाओ और इन 24 क्वेश्चनों को तोड़कर देखो तो कितने क्वेश्चन बनते हैं वो हिसाब लगा लीजिएगा आप। मेरे पास उसका टाइम थोड़ा नहीं लग पाएगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे इनर आउटर को लेकर, ठीक है। लाइक पृथ्वी के सबसे पास कौन है? बंदा सोचेगा ये, लेकिन उसने कहा सबसे पास आउटर प्लेनेट, तो ध्यान रखना आउटर प्लेनेट ये है, बाहरी ग्रह है वो है, अगर हम बात करना चाहें तो। क्लियर? बेहतरीन। नेक्स्ट, इन चार ग्रहों को दोस्तों एक और नाम से पुकारते हैं और वो होता है रॉकी। रॉकी यानी कि ठोस ग्रह, ठोस ग्रह, ठोस ग्रह, ठोस ग्रह, ठोस ग्रह। और इन चार ग्रहों को बोलते हैं गैसियस, गैसीय ग्रह, क्योंकि यहां पर गैस की मात्रा, हवा की मात्रा, वायुमंडल की मात्रा बहुत ज्यादा है। लाइक जुपिटर को ले लो, हमारे हमारी पृथ्वी से एक करोड़ गुना वायुमंडल है वहां पर, एयर मॉलिक्यूल्स एक करोड़ गुना ज्यादा, जितने मॉलिक्यूल्स हमारे यहां पड़ते हैं, इतना भारी भरकम वहां पर वायुमंडल है। और सिर्फ जुपिटर की नहीं, पीछे के चारों ग्रहों का यही हाल है, हवा भरी पड़ी है वहां पर गैसेस से, इसलिए इनको बोलते हैं गैसीय प्लेनेट, गैसीय, गैसीय हिंदी में, इंग्लिश में गैसियस। और इनको बोलते हैं, बिल्कुल इनको बोलते हैं रॉकी प्लैनेट्स। तो सबसे छोटा ग्रह रॉकी प्लैनेट, सबसे लाइक क्वेश्चन ऐसा बना, सबसे बड़ा ठोस या सबसे छोटा ठोस ग्रह। अब बंदा सोचेगा ग्रह तो सारी ठोस है, ग्रह तो सारी ठोस है, तो कौन सा होगा? अगर उसने कहा सबसे बड़ा ठोस ग्रह, तो सबसे बड़ा ठोस इन है, सॉलिड मतलब रॉकी प्लैनेट ये है, तो आंसर इज अर्थ, पृथ्वी। और सबसे छोटा गैसीय ग्रह, अब सोचेगा भाई सबसे छोटा जिसके पास गैस कम है, नहीं नहीं, गैसियस प्लैनेट इन चार को बोलते हैं, सूरज के पास, दूर, गैसियस, रॉकी, पृथ्वी के पास, दूर, गैसियस, रॉकी, आकार के हिसाब से बड़ा, छोटा, गैसियस, रॉकी, वो 24 क्वेश्चन। एक बार उनको भी तोड़कर देखिएगा और खुद हिसाब लगाइएगा कितने टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप हिसाब लगाओगे 24 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से और 250 के आसपास आप करोगे, तो लगभग लगभग मैं रफ आइडिया लूं, थोड़ा बहुत मर्ज भी हो जाएगा, लगभग लगभग 300, 350, 400 क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं, अगर एक एक क्वेश्चन को तोड़कर देखोगे तो। ठोस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हायर डेंसिटी, हायर हाईएस्ट डेंसिटी, अनुप कुमार जी, हाईएस्ट 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 डेंसिटी की अगर मैं बात करना चाहूं तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे होगे, बिल्कुल समझ रहे होगे, गैसीय, गैसीय प्लैनेट, बिल्कुल सबसे ज्यादा गैस है हमारे जुपिटर पर। और नेक्स्ट में अगर बात करना चाहूं तो वो ये होगा, बिल्कुल वो ये होगा, इन आगे के चार ग्रहों को हम एक और नाम से पुकारते हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता पार्थिव, जी हां पार्थिव, पार्थिव, पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, पार्थिव ग्रह ठोस ग्रह, पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह,
गैसेस ग्रह, बाहरी ग्रह, और एक और नाम से इसको हम पुकारते हैं जोवियन। जोवियन, जोवियन यूनानियों के एक भगवान हुआ करते थे। जोवियन, 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 जोवियन नाम मैं हिंदी में नहीं कर सकता क्योंकि जोवियन वैज्ञानिक भगवान माने जाते हैं यूनानी लोगों की, जो ग्रीक्स होते हैं। ग्रीक्स, यूनान एक यूरोप में कंट्री पड़ती है, वहां की अगर मैं बात करना चाहूं तो वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। नाम तो नाम है, मेरा नाम इंग्लिश में भी आशीष है, हिंदी में भी आशीष ही रहेगा। अब ये नहीं है कि आप मुझे हिंदी में आशीर्वाद कहना शुरू कर दोगे, जो कि आशीष का अर्थ होता है। किसी का नाम सूरज है तो उसको हम सन नहीं बोल सकते। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन ग्रह, चार ग्रह, पार्थिव ग्रह, पार्थिव, पार्थिव ग्रह, और पीछे के चार ग्रह वो जोवियन ग्रह। तो दोस्तों सबसे बड़ा छोटा पार्थिव ग्रह, बड़ा छोटा ठोस ग्रह या जोवियन ग्रह, सूरज के पास दूर पार्थिव ग्रह टेरेस्ट्रियल, सूरज से पास दूर जोवियन, ठीक है, पृथ्वी के पास दूर पार्थिव, पृथ्वी से सूरज से पास दूर, उन 24 क्वेश्चनों का क्या हल बनेगा अब आप सोच सकते हो। बहुत ज्यादा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सुमन खत्री जी, 400 से ज्यादा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। हाँ, स्मॉलेस्ट गैसियस प्लेनेट नेपच्यून होगा। मैं नाम देखना भूल गया, सॉरी। हाँ, नेपच्यून होगा क्योंकि इन्हीं 24 क्वेश्चनों में फिर वो खेलेगा। तीन नाम इन आगे के चारों का, आंतरिक, ठोस एंड पार्थिव, इनर, टेरेस्ट्रियल एंड रॉकी, तीन नाम इसके पीछे के चारों के। और वो नाम कैसे? आउटर गैसियस जोवियन, बाहरी गैसीय और जोवियन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर जी, ओके ओके, हाँ बिल्कुल। चलो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है, हम आगे की भी कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे ज्योग्राफी में। आज के लिए इतना ही होगा, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक एंड लाइक, लाइक अभी के अभी, अभी के अभी, एंड शेयर, ठीक है। ओके 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 ओके।